हेलो ऑडियंसेस, वेलकम टू द रिहैब प्रो फिजियो प्लस हेल्थ नेटवर्क। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़रूर अंत तक बने रहिए। आज हम सीखेंगे कुछ लाइफ सेविंग टेक्निक्स जो आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशंस के टाइम पे मदद कर सकता है। स्टेप फॉरवर्ड, द गुड इज येट टू बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, नोज ब्लीड। जब आपको कभी नोज ब्लीड होता है कोई भी रीजन से, तब हम ज्यादातर टाइम में गर्दन को पीछे झुका के ब्लड को अंदर खींच लेते हैं, पर यह तरीका गलत है। इससे ब्लड नाक से होकर थ्रोट तक पहुंच जाता है, इससे आपके गले में चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब करने के अलावा आपको ये टाइम में अपने हाथों से नाक को बंद करके रखना है और मुंह से सांस लेना है जब तक ब्लीडिंग बंद ना हो। नंबर टू, फोर्सिंग अ फेंटेड पर्सन टू सिट अप। जब आपके सामने कोई फेंट हो जाता है तब सबसे पहले आपको उसके पल्स और ब्रीदिंग चेक करना है। उनको ये टाइम में बिठाने की कोशिश मत कीजिए, और फिर पल्स और ब्रीदिंग सही रहने के बाद उनके दोनों पैर को जमीन से 30 सेंटीमीटर तक ऊपर कर दीजिए और उनके कपड़ों को लूज कर दीजिए। जब थोड़ी देर में उनको होश आएगा तब भी उनको बिठाने की कोशिश ना करें, इससे वो फिर से फेंट हो सकते हैं। नंबर थ्री, पुटिंग हीट ऑन अ फ्रैक्चर। आपको जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तब आपको गर्म सेकाई बिल्कुल नहीं करना है, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और सूजन भी बढ़ जाएगा। हॉट पैक बैक पेन जैसी क्रॉनिक कंडीशन के लिए सही होता है। आपको ये टाइम पे आइस लगाना है। आइस सूजन, रेडनेस और पेन को कम करवाने में मदद करेगा, पर आपको डायरेक्टली स्किन पर आइस नहीं लगाना है। आइस को किसी कवर में रैप करके लगाइए करीबन 15 से 20 मिनट। नंबर फोर, ट्राइंग टू रिमूव डेब्री फ्रॉम योर बॉडी। अगर आपको कभी पैर में या कहीं पर कुछ चुभ जाता है, ग्लास या कुछ, तब आप उसको निकालने के लिए आप ऐसे टूल का इस्तेमाल करिए जो स्टराइल हो, इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेगा। आप इसके लिए क्लीन कॉटन या गौज यूज कर सकते हैं। नंबर फाइव, ट्रीटिंग अ बर्न टू क्विकली। अगर आपको कहीं बर्न हो जाता है तब आपको सबसे पहले ठंडा पानी डालना है वहां पर इसमें एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि थोड़ी देर पानी डालने के बाद जब हमारा स्किन ठंडा हो जाता है तब हम स्टॉप कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको कम से कम 20 मिनट तक पानी डालना है ताकि कूलिंग का इफेक्ट स्किन के डीप तक पहुंच सके। नंबर सिक्स, पुटिंग समथिंग इन अ सीजिंग पर्सन्स माउथ। अगर आपके सामने किसी को सीजर अटैक आता है तब सबसे पहले नंबर वन, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। नंबर टू, विक्टिम के मुंह बंद नहीं करना है। नंबर थ्री, विक्टिम के हाथ पैर बांधना नहीं है। और नंबर फोर, विक्टिम के मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। ये विक्टिम के लिए और आपके लिए रिस्की हो सकता है। इस सिचुएशन में आपको करना है कि विक्टिम को उसके साइड लाइंग पोजीशन में सुलाना है, जो उसको ब्रीथ करने में मदद करेगा, और क्लियर ऑफ द एरिया ऑफ एनी डेंजरस ऑब्जेक्ट द विक्टिम कुड हर्ट देमसेल्व्स ऑन। ज्यादातर सीजर्स 5 मिनट तक रहते हैं, सो यू नीड टू स्टे काम। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। नंबर 7, CPR फॉर हार्ट अटैक विक्टिम्स। अगर आपके सामने किसी को हार्ट अटैक होता है तब सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में कॉल करना है और फिर चेस्ट कॉम्प्रेशन यानी कि CPR देना है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, CPR कैन डबल और इवन ट्रिपल द चांसेस ऑफ समवन सर्वाइवल। Even if the victim isn't breathing and there is no heartbeat, their body has enough oxygen that you can help it circulate, thanks to CPR. Number 8. Not knowing what you are doing. अगर कोई भी emergency situations में अगर आपको नहीं पता है कि CPR या कोई भी life saving technique कैसे देना है, तब आप बिल्कुल try मत कीजिए। ये dangerous हो सकता है victim के लिए। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको हॉस्पिटल में कॉल करना है और कोई ट्रेन्ड प्रोफेशनल से CPR दिलवाना है। नंबर 9, यूजिंग अ टॉर्निकेट फॉर ब्लीडिंग वुंड। अगर कभी आपको डीप कट हो जाता है हाथ में या पैर में और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगता है, तो सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करना है
इसके लिए एक स्टराइल गॉज या कॉटन से वुंड को रैप करना है और फिर डॉक्टर के पास जाना है। पर हम कभी कभी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हाथ या पैर को कपड़ों से बांध लेते हैं, पर यह गलत है। इससे पूरे लिम में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इवन इट कैन लीड टू एम्प्यूटेशन।